Now coming to question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. Question 3 में कहा गया है कि हमें smallest number find करना है जिनको हम इस number से divide करें तो हमारा perfect cube आए. So हमारा part first है 81. तो हम 81 का सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं, सो स्टार्ट करते हैं हम 3 से. 3 2 जा 6, बचा 2, 3 7 जा 21, देन अगेन 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 क्या होंगे? थ्री इंटू थ्री. सो इसमें क्या हो रहा है? 1 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है. सो अगर हम 81 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा. देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड by 3 to make it perfect cube. Now coming to part second, that is 128. So हमें सबसे पहले क्या करना है? 128 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अगेन 2, 2 1 जा 2, बचा 1, सो 2 6 जा 12, then again 2, 2 8 जा 16, then again 2, 2 4 जा 8, then फिर से 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. So prime factors of 128 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now अब हम यहाँ पे triplets बनाते हैं. So one triplet and second triplet. So जो हमारा ये वाला 2 है इसका क्या हो रहा है? Triplets नहीं बन रहे हैं. That means अगर हम 128 को 2 से divide कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा. देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. नाउ कमिंग टू पार्ट 3. 135. सो सबसे पहले हम 135 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे. देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगा, सो हम 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, बचा 1, 3 5 जा 15, देन अगेन 3, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 5 जा 15, देन अगेन 3, 3 5 जा 15, नाउ 5 1 जा 5. सो
हमारे 135 की प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। सो यहाँ पे ट्रिपलेट्स देख लेते हम। थ्री का ट्रिपलेट बन रहा है बट फाइव का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। सो अगर हम 135 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। देयरफॉर 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नाउ कमिंग टू पार्ट 4। वन नाइन्टी टू। अब हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 9 18 बचा 1, 2 6 12। देन अगेन 2 से करते हैं। 2 4 8 बचा 1, 2 8 16। देन अगेन 2 2 2 4, 2 4 8। देन अगेन 2 2 1 2, 2 2 4। देन अगेन 2 2 6 12। देन अगेन 2 2 3 6। नाउ 3 1 3। हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 192 के? सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 and × 5। सो यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, देन अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। दैट मीन्स अगर हम 192 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नाउ कमिंग टू पार्ट 5। 704। सो 704 का हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 3 6 बचा 1, 2 5 10, 2 2 4। देन अगेन 2 से करते हैं हम। 2 1 2 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, सो 2 6 12। देन अगेन 2 से 2 8 16 बचा 1, 2 8 16। नाउ अगेन 2 से 2 4 8, 2 4 8। नाउ 2 2 2 4, 2 2 4। देन अगेन 2 2 1 2, 2 1 2। नाउ ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्ट किससे जाएगा? 11 से। सो 11 1 11। 704 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड इंटू 11। सो यहाँ पे ट्रिपलेट्स किस किस के बन रहे हैं?
एक तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, देन अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 11 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा. सो अगर हम 704 को 11 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा. देयरफॉर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब.